मनोज जी, रेड फोर्ट का एक्सपीरियंस आज कैसा था इंडिपेंडेंस डे के इस उत्सव पे? देखिए, मेरे लिए तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं जब अपने पिताजी के साथ टीवीज में और न्यूज़ में जब देखते थे, तो एक सपना था, मेरा भी ड्रीम्स बन गया था कि मैं रेड फोर्ट में जाऊं कभी, और तिरंगा जब उस पर लहराए, जब उस पर फ्लैग होस्टिंग हो, तो मैं वहाँ पे रहूँ और अपने देश के इस गरिमा पल को महसूस करूँ। तो आज मैंने वो फील किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब स्पीच दे रहे थे, तो लग रहा था कि देश के जो मुखिया हैं, जो हमारे प्रधान व्यक्ति हैं, वो मतलब हमारे सारे चीज़ों की वर्णन एकदम शॉर्ट में कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आज उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए। उसमें से बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो ये लगा कि सारे समाज को लेते हुए उन्होंने काम करने की कोशिश की। दूसरा चीज़ जो सबसे बेस्ट था वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये 75वां जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा था, फिर इसके बाद जो आने के जो 25 साल और, जो हम उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा समय बीतेगा, उसके लिए अभी से वो सोचने लग गए कि आगे 25 सालों में क्या करना है। तो यही मुझे लगता है कि जो दृढ़ निश्चित हम लोग करते हैं, जो आगे की विचारधारा हम करते हैं, और यही चीज़ होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच अगर इतनी अच्छी हो, हमारे देश के अगर जो प्रधान व्यक्ति हैं उनके जो विचार इतने अच्छे हो, जिनको अपने पहले से ही सोच रखा हो सारी चीज़ें करने का, तो देश क्या सब लोग आगे बढ़ेंगे और हर एक नागरिक को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उनके विचार के साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और पूरे देश के नागरिक इसमें साथ रह के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।